नाथी का बाड़ा बड़ा चर्चा में रहा कि साकड़ तोड़ के नाथी का बाड़े का नाम खत्म कर देंगे तो ये लक्ष्मणगढ़ वीरों की धरती के नाम से जाना जाएगा। ईडी का शोर बड़ा है, डोटासरा जी को बोलो परेशान यहाँ से हुए। देखो ईडी का शोर का तो मेरे को तो जानकारी नहीं है, पेपर आउट और पेपर बेचने का शोर हर गांव में है। डोटासरा नकारते हैं, कलाम से मेरा कोई सीधा संबंध नहीं। कलाम से संबंध तो नहीं है, लेकिन जो कलाम में जिसने कोचिंग ली उनका सिलेक्शन 100% होता। डोटासरा दावा भी कर रहे हैं कि मैंने सब कुछ करवा दिया, संभाग बना दिया। ये संभाग जो है सीकर के विधायक तो राजेंद्र पारिक है यार, अगर वो कह रहा है कि मैंने संभाग बनाया था तो लक्ष्मणगढ़ को बना देता। मैं करने की आदत पड़ गई तो जनता उस मैं की आदत को जो है ना जवाब दे देगी। 200 की बात करें तो एक भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं रहा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई वाली परंपरा है। कुछ बड़ा पद आपके लिए है क्या, पहले से कोई बात हुई कि अगर सत्ता? मेरा पद तो कार्यकर्ता का है। बस मैरिया का अंतर कितना रहेगा जीत का रिकॉर्ड तो ये मतदाता ही बता सकते। राजस्थान के राजनीतिक रण की सबसे हॉट सीट, और कहूँ कि राजस्थान की वह दो कद्दावर नेताओं के लिहाज से अहम सीट जिस पर चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और राजस्थान भाजपा में यानी अपने ही परिवार में घर वापसी कर दमदार उपस्थिति दर्जा रहे सुभाष महरिया। बेहद महत्वपूर्ण ये चुनाव है और राजस्थान की निगाहें हैं। एक तरफ डोटासरा कह रहे हैं फटकारा लगा देशा, उस फटकारे में आप बीच में आ गए ऐसा लग रहा है चुनावी माहौल में। देखिए राजस्थान की हॉट सीट के बारे में आपने कहा मित्र, मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि राजस्थान का सबसे हॉट मतदाता लक्ष्मणगढ़ का है जी। ये इतने हॉट मतदाता हैं कि 7 बजे शुरू होगी पोलिंग तो इनमें हॉट रहेगी, ये पूछिए आप यहाँ बैठे हैं कि पहले मैं डालूं। जब 7:30 बजे लाइन देखेंगे 8 बजे तक ये मालूम चल जाएगा कि करीब 1.5 लाख से ऊपर लोगों की लाइनें भाजपा की कतार में खड़ी है। 3 तारीख को भी यही समय सीमा रहेगी। 3 तारीख को सीमा समय जो है तीन तारीख के पहले राउंड का जब इशारा आएगा 3 तारीख को तो पहले राउंड की गिनती आप हमको बताएंगे। हमको धन्यवाद और शुभकामना आपको। मैरिया जी, राजस्थान भाजपा के वॉर रूम की बात करूं या कांग्रेस की, चर्चा में आपकी ये सीट ही है और कह रहे हैं भाई टक्कर तो जबरदस्त है लेकिन एक चुनौती भी है। 2008, 2013, 2018 यहां से बीजेपी नदारद रही, हालांकि सीकर में हमेशा लोकसभा में प्रतिनिधित्व भाजपा का रहा, तो चुनौती तो स्थानीय स्तर पर है। डोटासरा जी को व्यक्तिगत तौर पर कितनी चुनौती मानते? देखिए चुनौती स्थानीय स्तर पर है, जो चुनौती है जो वोट के बंटवारे के कारण से लाभ ले रहे थे वो वोट के बंटवारे वाले तो समय एक साथ बैठे ना ये खड़े, ये 34 वोट के फर्क वाले हैं, सिर्फ 34 वोट। आप एक बार अंदाज लगाओ 34 वोट क्या होता है 1 लाख वोटों में। ये इसलिए अब ये 34,000, 44,000, 54,000, 54,000 सब साथ बैठे हम जी। गांव में ईडी की भी बड़ी चर्चा मैंने सुनी, अभी मैं चौक पे चर्चा करके आया, हमारा एक जनता से संवाद का प्रोग्राम रहता है और हम चाहते हैं प्रतिनिधियों से भी संवाद करें, लेकिन ईडी का शोर बड़ा है, डोटासरा जी को बोलो परेशान यहाँ से हुए। देखो ईडी का शोर का तो मेरे को तो जानकारी नहीं है, पेपर आउट और पेपर बेचने का शोर हर गाँव में है। लक्ष्मणगढ़ की पुण्य पवित्र धरती अंजनी माता बालाजी धाम की ये धरती, साधु संतों की रतिनाथ जी महाराज, सदानाथ जी महाराज, साकंबरी माता, सालासर जी बालाजी के साथ खाटू श्याम जी की धरती, जीवन माता की, इस धरती का नाम पुण्य स्थल लक्ष्मणगढ़ है, सीकर जिला है जिसका नाम इस भाई गोविंद ने नाथी का बाड़ा दे दिया। बड़ी शर्म की बात है। सवाल भी यही था मेरा कि नाथी का बाड़ा बड़ा चर्चा में रहा, तो ऐसे में मतदाता जब वोट करेगा तो क्या वोट की चोट पर ऐसे मुद्दे ऐसा करेगा वोट की चोट कि नाथी के बाड़े के हमारे मारवाड़ी में बोलते हैं कि साकड़ तोड़ के नाथी का बाड़े का नाम खत्म कर देंगे तो ये लक्ष्मणगढ़ वीरों की धरती के नाम से जाना जाएगा। शेखावाटी का
इस शेखावाटी का बड़ा चेहरा आप हैं, आपसे उम्मीद भाजपा को केवल लक्ष्मणगढ़ नहीं है, पूरा ये मैं बात करूं सीकर की बात करूं, इवन आपके मित्र, आपने जिक्र भी किया इस सभा में, सुन रहा था आपके मित्र राजेंद्र राठौड़ का भी आपने जिक्र किया, तो ये पूरी झुंझुनू तक आपका असर है, तो अपनी विधानसभा सीट के साथ कितनी आप असर देखिए, मतदाताओं का प्यार है, मेरा क्या असर है, मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ जो 28 साल से सबके बीच में रहता हूँ। सीकर जिले की 8 सीट, झुंझुनू जिले की, सीकर जिले में नीमका थाना को अगर अलग लें तो चाहे कैसे पुराने जिले की, सीकर उसी हिसाब से मानते हैं, सीकर जिले की 8 सीट, झुंझुनू की 7 सीट और चूरू जिले की 6 सीट, 21 सीट में जो हैं हाल फिलहाल हमारे पास कितने हैं वो आप सबको पता है, 21 सीट का बहुमत जितने संभाग राजस्थान में हैं, राजस्थान के पुराने 7 संभाग हैं उनमें सर्वाधिक सीट जो हैं वो हमारे इस संभाग से आएंगी, सीकर चूरू और झुंझुनू वाला नया संभाग बना है, इससे सर्वाधिक परसेंटेज ऑफ सीट सर्वाधिक इस संभाग से आएंगी और सीकर जिले में जिला उसमें नंबर वन पे रहेगा। आप जीते तो मजबूत तो आपको जयपुर यानी राजधानी की राजनीति में भी रहना होगा और आपका कद बताता है कुछ न कुछ बड़ा पद आपके लिए है, क्या पहले से कोई बात हुई कि अगर सत्ता मेरा पद तो कार्यकर्ता का है और ये अनुमति जो है जनता जनार्दन आशीर्वाद दे देगी, तो एक कार्यकर्ता के रूप में जनप्रतिनिधि रूप में सबको साथ लेकर काम करना ही मेरा काम है। सवाल इसीलिए है क्योंकि जनता की उम्मीदें भी हैं, जनता की उम्मीदें हैं वो या तो ऊपर वाला जानता है और या हमारा आला कमान जानता है, जनता जानती है, मैं नहीं जानता। ऐसा कौन सा मुद्दा है जो लक्ष्मणगढ़ में आप चाहेंगे कि जीतते हैं तो पूरा करवाएंगे, बहुत सारी चीजें हैं, कांग्रेस यहाँ सत्ता में भी रही और डोटासरा दावा भी कर रहे हैं कि मैंने सब कुछ करवा दिया, यहाँ तक कि यहाँ संभाग बना दिया। अभी आप आए हैं इधर से, संभाग तो सीकर मुख्यालय पे बना है और संभाग जो बना है पूरे राजस्थान का जो डिलिमिटेशन का काम था उस डिलिमिटेशन के समय ये तय हो गया था कि 2007 में कि भाई जनसंख्या और क्षेत्रफल के लिहाज से नए संभागों की रचना करनी पड़ेगी। भारत सरकार ने इसके लिए राजस्थान सरकार को सबको कि भाई आप अपना पूरा इसका रिकॉर्ड भेजें। ये संभाग जो है सीकर के विधायक तो राजेंद्र पारिक हैं यार, अगर वो कह रहा है कि मैंने संभाग बनाया था तो लक्ष्मणगढ़ को बना देता, फिर क्या है ये बातें, क्यों अंदर मैं करने की आदत पड़ गई तो जनता उस मैं की आदत को जो है ना जवाब दे देगी। एक महत्वपूर्ण और सवाल आपके लिए है, और हाँ सीधी बात, और सीधी बात के लिहाज से यही बात कि सुभाष महरिया अब राजस्थान की राजनीति में किन संभावनाओं पर विचार करें आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव? देखिए लोकसभा चुनाव आने वाले दिनों में है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने G20 के अंदर सारे दुनिया को ये बता दिया कि भारत कितना सशक्त है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनकी अगुवाई में पूरा देश पहले 5 राष्ट्रों में आ गया है जो शक्तिशाली राष्ट्र है, संयुक्त राष्ट्र महासंघ UNGA, यानी UNGA का कहना, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का ये कहना कि भारत सशक्त हो चुका है, WHO ने कहा कि भारत ने कोरोना के समय जो किया इतनी जनसंख्या के ऊपर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा की रिपोर्ट मैंने पढ़ी है उसमें संपूर्ण रिपोर्ट का ये है कि इतनी बड़ी जनसंख्या को इस तरह से मेंटेन करना और इस तरह से हर घर तक ये दवाई इंजेक्शन पहुँचाना बहुत बड़ा काम है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आने वाले 6 महीने बाद बहुत जोरों से बनेगी, हम सब लोग जो यहाँ मतदाता हैं वो जी जान से काम करें। एक सवाल थोड़ा सा उस लिहाज से भी हो जाता है, जब BJP की बात आती है तो चूंकि 199 सीटों पर चुनाव हो रहा है और वैसे 200 की बात करें तो एक भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं रहा आपके, लेकिन लक्ष्मणगढ़ में मैंने देखा कि आपके समर्थन में बड़े मुस्लिम लोग भी खड़े हुए दिखाई दिए हैं, तो ये जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि उन्होंने केवल और केवल ध्रुवीकरण, तुष्टीकरण या सनातनी विचारधारा के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लक्ष्मणगढ़ इन सब से अलग है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई वाली परंपरा है, यहाँ तो वीरों की धरती है, सेना में सारे मुस्लिम भाई हिंदू भाई सारी बिरादरी 36 बिरादरी के लोग साथ बंधु के लिए करते हैं, मुस्लिम भाई दूसरे से कह रहा है तू पीछे हट पहले मैं गोली खाऊंगा, वो कह रहा नहीं तू नहीं तो नहीं इमरान तू पीछे हट पहले मैं खाऊंगा, ये तो वो लोग हैं, बाकी आप इनसे पूछें। एक अंतिम सवाल मैं ले लेता हूँ, SIT गठन की है लक्ष्मणगढ़ पे, आपने नाथी के बाड़े का जिक्र किया, पेपर लीक आता है, ED भी यहाँ पर आती है, हालांकि डोटासरा नकारते हैं कलाम से मेरा कोई सीधा संबंध नहीं, लेकिन कलाम से संबंध तो नहीं है, लेकिन जो कलाम में जिसने कोचिंग ली उनका सिलेक्शन 100% होता है। मेरा सवाल यही है, SIT आपने गठन करने का संकल्प पत्र में वादा किया है,
जनता के बीच खड़े हैं, ये एसआईटी वास्तव में काम करेगी या फिर कोरी घोषणा? नहीं, एसआईटी तो एसआईटी का काम है काम करना, एसआईटी तथ्य उजागर करेगी, सरकार ने जो दबा रखे हैं वो सामने आएंगे। थैंक यू। सुभाष मेहरिया का अंतर कितना रहेगा जीत का रिकॉर्ड? तो ये मतदाता ही बता सकते हैं, मैं तो नहीं बता सकता। कम से कम 30,000। तो बिल्कुल तमाम यहाँ समर्थकों के बीच में सुभाष मेहरिया हैं और राजस्थान चौक से खास बातचीत भी की है। एक दो सवाल हमने आम लोगों से भी लिए हैं और वो जरूरी भी होता है कि जब जनप्रतिनिधियों के बीच में रहें और जब जनता के बीच में आप रहें, और चूंकि आप भी इस पूरे चुनाव को पिछली बार करीब से देख चुके हैं, इस बार सब साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, ये डोटासरा जी को हटाने की लड़ाई है या कांग्रेस को हराने की? देखो मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने 3 चुनाव गोविंद जी के सामने मैंने लड़े हैं। और पहला चुनाव में 34 वोट से लूज हो गया, 30 फिर 10,000-11,000 के करीब, फिर 20,000। मेरी बात सुनिए, दूसरा चुनाव इन्होंने लड़ा था भारतीय जनता पार्टी से, मैं इंडिपेंडेंट ही था। तीसरे चुनाव में हमने 76,000 वोट लिए, अब की बार हम 20,000 से जीत रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी में, मैंने ये तय किया था कि भारतीय जनता पार्टी मेरे को टिकट देगी तो ठीक है, वरना जिनको भी टिकट देगी मैं जी जान से उनके साथ रहूँगा। मैं शिवाजी मेहरिया के जी जान से साथ हूँ, आपको ये कह रहा हूँ कि 20,000 से कम शिवाजी मेहरिया नहीं जीते। ये विश्वास हमेशा समर्थकों का रहता है और हमारे साथ सुभाष मेहरिया लगातार बने हुए थे और सभाओं में भी हम इनको दिखाते रहेंगे कि किस तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन लक्ष्मणगढ़ की राजनीति इस वक्त सबकी निगाहों में है और खास तौर पर वो हॉट सीट बनी हुई है जिस पर गोविंद सिंह डोटासरा और सीधे तौर पर सुभाष मेहरिया का मुकाबला है। एक सवाल जो रह गया, जो जिक्र अभी मेरे साथी कर रहे हैं लाल डायरी का, उस पर भी संभवतः चलते चलते बातचीत कर लेते हैं। और ये महत्वपूर्ण विषय लगातार हो जाता है कि किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई है, किन किन मसलों पर चर्चा हुई है और गांव में ये मुद्दा है और नाथी के बारे में और लाल डायरी को लेकर ये जिक्र है। गांव की चौपाल है ये और चौपाल में तमाम मुद्दों पर, विषयों पर ये बातचीत होती रही है। लेकिन लक्ष्मणगढ़ इस वक्त हॉट सीट बना हुआ है और हॉट सीट का यही कारवा हमारा अब देर शाम तक लक्ष्मणगढ़ विधानसभा में है और लक्ष्मणगढ़ विधानसभा से राजस्थान चौक का ये पहिया अब और विधानसभाओं का सफर तय करेगा। और जब तक तय करेगा तब तक हम जानेंगे कि किन किन मुद्दों पर इस बार वोट पड़ने वाले हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेश के साथ अंकित तिवारी, राजस्थान चौक, लक्ष्मणगढ़।